इंसान का ना दिल करता है वो दुनिया से बहुत दूर कहीं जंगलों में निकल आए, तो मैं जब बिल्कुल लाइफ से अप हो जाता हूँ फिर आई प्रैक्टिकली डू दिस। ये मुल्तान के करीब आमों के बाग हैं एंड आई एम हेयर। ये मैं इसलिए भी बताता हूँ कि लोगों को पता हो अब मगरिब का टाइम है और बिल्कुल सूरज ढल चुका है और अब इंशाल्लाह 2-3 घंटे मैं इस ट्यूबवेल को भर के इस ट्यूबवेल में नहाऊंगा और आई विल गो सम अदर वर्ल्ड अराउंड, किसी और दुनिया में जाऊंगा, किसी और दुनिया का बासी होऊंगा। और उसकी रीज़न यही है कि अ टाइम कम्स इन लाइफ जब रियल टाइम लोग कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ना सारी टेंशनें सब कुछ जंगलों में निकल जाएं, तो मैं कुछ महीनों बाद ना अपने आप को रीसेट का बटन ज़रूर दबाता हूँ लाइफ में। और ये रीसेट का बटन ना बड़ा ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे है, आप कभी कभी आपका मोबाइल हैंग कर जाता है एंड यू नीड टू प्रेस दैट रीसेट बटन इन योर लाइफ, तो आप हमेशा जो है ये रीसेट बटन अपनी लाइफ में दबाएं। अगर ये रीसेट बटन आप अपनी लाइफ में दबाएंगे तो आपको यकीनी तौर पर रीसेट बटन जब आप अपनी लाइफ में दबाएंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे आपका हैंग हुआ हुआ मोबाइल जो है वो दोबारा ऑन हो जाएगा, आपका हैंग हुआ हुआ मोबाइल दोबारा से सही काम करने लग जाएगा। तो अब जब हम इस जंगल में 3-4 घंटे गुजारेंगे वीराने में, हर चीज से दूर, सुकून, ठंडे माहौल में, इस ट्यूबवेल के अंदर और आमों के बाग में आमों के साथ, तो यकीनी तौर पर वो रीसेट फिर फ्रेश हो जाएगा। तो अ शॉर्ट टर्म मैसेज इज कि अपनी जिंदगी में हमेशा इस रीसेट बटन को रखें। मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है डॉक्टर अतीक, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, बड़ा अच्छा भाई है, तो वो हज पे जा रहे हैं। मैंने उन्हें मुबारकबाद दी तो मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा यार ये ऐसा मौका होता है जब इंसान दुनिया से दूर ना अल्लाह के करीब चला जाता है तो वो शायद कोई बड़े फैसले अल्लाह उससे करवाना चाह रहा होता है और और, और, और इंसान निकल जाता है कहीं दूर। इसी तरह लाइफ में जब भी आपको लगे ना कि आपकी लाइफ में रुकावट है तो आप उस चीज से निकल जाएं। या तो आप इन जंगलों में निकल जाएं, या भी अभी इंशाल्लाह भी नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद हम ट्यूबवेल में टाइम स्पेंड करेंगे, या आप यकीनी तौर पर अगर आप साबे इस्तेताद हैं आप उम्रे पे निकल जाएं, हज पे निकल जाएं, या अगर फैमिली कहीं वेकेशन पे जाना चाह रही है अल्लाह को साथ रखते हुए आप वहां चले जाएं, और लेकिन अपनी नॉर्मल रूटीन से जरूर हट जाएं। नॉर्मल रूटीन से अगर आप हट जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी सोचों का महवर बहुत बढ़ जाएगा, आपको अल्लाह मियां कुछ ऐसा आपके जहन में जरूर जो आपकी हैंगिंग सिचुएशन है, जो आप हैंग हुए हुए हैं उससे निकल जाएंगे। तो जिंदगी में रीसेट बहुत जरूरी है, अल्लाह की कुर्बत बहुत जरूरी है, और जब आप हैंग सिचुएशन में हो तो ये फ्रेशर बहुत जरूरी है। दूर, हर चीज से दूर, इन जंगलों में, इस वीराने में, सुकून की तलाश में। और अल्टीमेटली आप जितना भी पैसा बना लें, जो मर्जी अर्न कर लें, जिंदगी में जिस मर्जी मकाम पर पहुंच जाए, अगर आपको आपके तकिए पर लेट कर रात सुकून की नींद नहीं आती ना तो वो सब बेकार है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।